यहाँ पे डिस्टन फील्ड A7 ऑफ सूट के साथ, अमेरिकन प्रो प्लेयर डिस्टन फील्ड यहाँ पे A7 ऑफ सूट बॉट इन डिसिप्लिन फोल्ड, युआन ने भी फोल्ड किया है, चिप लीडर क्वीन 8 ऑफ सूट फोल्ड करते हुए बिल्कुल भी अपने चिप लीड का फायदा इतने जल्दी नहीं उठाएंगे और बहुत ही वीक हैंड है, उस हैंड को शोडाउन तक ले जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। एज डूस ऑफ सूट के साथ यहाँ पे स्ट्रोक डेफिनेटली बटन पर रेस करने के कंटेम्पलेशन में, जी हाँ उन्होंने रेस किया है 350K डोबिन जो शॉर्ट स्टैक थे उन्होंने फोल्ड किया है, स्मॉल ब्लाइंड और बिग ब्लाइंड, बिग ब्लाइंड पर किंग जैक ऑफ सूट डेफिनेटली हेग्राटी यहाँ पे कंसिडर करेंगे अपना बिग ब्लाइंड डिफेंड करने के लिए, वो यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं। पॉट में ऑलरेडी 925K फ्लॉप देखेंगे दो प्लेयर्स, जैक 4-6, जैक ऑफ क्लब्स, 4 ऑफ क्लब्स, 6 ऑफ हार्ट्स, यहाँ पे हेगार्टी ने चेक किया है अपना टॉप पेयर इनिशियल रेजर तक जो कि करना चाहिए, ये बहुत ही गुड आइडिया होता है यहाँ पे टॉप पेयर लगते ही लीड ले लेना, इसे हम डोंग लीड कहते हैं पोकर में। इनिशियल रेजर ने अपना प्री फ्लॉप मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए 275K का ये सी बेट और हेगार्टी का बहुत ही तुरंत कॉल, और टर्न पे आता है 5 ऑफ हार्ट्स, यहाँ पे इन पोजीशन प्लेयर स्ट्रोक के पास अब एक गट शॉट भी आ चुका है और अपने एस आई को यहाँ पे वो गुड भी कंसिडर कर सकते हैं। हेगार्टी अभी भी टॉप पेयर के साथ 84% फेवरेट टू विन द पॉट, उन्होंने अपना सेमी ब्लफ कंटिन्यू किया 350K चिप्स के साथ उनकी ये सेकंड बैरल बेट। बहुत ज़रूरी होता है हम अपने ड्रॉस के साथ सेमी ब्लफ करें ताकि ओपोनेंट हमारे से बेटर हैंड फोल्ड कर सके, बट यहाँ पे हेगार्टी के पास टॉप पेयर डेफिनेटली वो फोल्ड करने वाले नहीं, और उनके नाम के अगेंस्ट 100% का साइन आते हुए यहाँ पे स्ट्रोक के पास सिर्फ एस आई, क्या वो एस आई के साथ शोडाउन वैल्यू तक जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तीसरी बैरल की ब्लफ की है उन्होंने 575K बिलो 25% की है रिवर बेट, किसी एंगल से यहाँ पे हेगार्टी फोल्ड नहीं कर सकते, और जी हाँ उन्होंने कॉल किया है यहाँ पे जैक पेयर के साथ और जैक पेयर गुड उनका एक डिसेंट साइज का पॉट हेगार्टी के नाम। वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर की ये मैजिकल जर्नी चलती रहेगी यूं ही, और भी थ्रिलिंग एपिसोड्स और पोकर कंटेंट के लिए देखते रहिए पोकर टीवी, ब्रॉट टू यू एक्सक्लूसिवली बाय पोकरबाजी।